जायरोडिलियन एक जेनेटिक बीमारी है जो एवरी फोन के साथ आती है, जो एक लो एंड डिवाइस फोन होता है ना, कम बजट का होता है, 10-12 हज़ार तक का, उसके साथ ये बीमारी आती ही आती है, ठीक है। तो आपके साथ भी ये बीमारी आई है, तभी तो आप इस वाली वीडियो पे टैप कर रहे हो, और आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो खंगाल दी होगी, और आप लोग एक ऐसे यूट्यूबर की तलाश में होगा जो आपको एक जेन्युइन वीडियो बना के दे दे जायरोडिले के ऊपर, ठीक है। देखो, मैं कोई भी आउट गेम चीज आपके गेम में नहीं लगवाने वाला हूं, ऐसी कोई इलीगल चीज जो आपके गेम पे, आपकी आईडी पे, या फिर कुछ भी इफेक्ट डाले, गेम को थोड़ा खराब करे, ठीक है। मैं आपको इन गेम एक ऐसी चीज बताऊंगा जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आप उसको कभी समझ ही नहीं पाए। देखो, वैसे तो मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस डालता हूं इस वाले चैनल पे, मतलब जिगल वगैरह, एम वगैरह, लेकिन मैं वो आईक्यू के हिसाब से डालता हूं। देखो, अगर आपका आईक्यू है ना, तो आप उन वीडियो को समझ जाते हो, और जो नहीं समझते हैं ना भाई, वो ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखो, बस आपका फायदा होना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि भाई मैं थोड़ा बहुत भी आपको सही बोला हूं, आपको इंप्रेस किया हूं, आपका कुछ भी फायदा हो, 1% भी फायदा हो, ठीक है, अभी सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी ही जेन्युइन वीडियो आपको मिलती रहे और आपका फायदा होता रहे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाई तो एक छोटा सा लाइक में आपको कुछ भी, मतलब आपको पे थोड़ी ना करना, ठीक है। अभी देखो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी यूट्यूबर्स ऐसे बोल रहे हैं ना, भाई आउट गेम चीजें लगाने से आपका जायरो डिले फिक्स हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो जायरो है ना, वो टोटली आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है, और कभी भी फोन में नया प्रोसेसर आप नहीं डलवा सकते, ठीक है। और जो भी यूट्यूबर ये बोल रहे हैं ना भाई कि मतलब आउट गेम चीजें जैसे कोई भी एपीके इंस्टॉल कर लो, ये वो सब व्यूज खींच रहे हैं। देखो, व्यूज मैं भी खींचना चाहता हूं, बट मैं कुछ जेन्युइन बता के लेना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपका फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, ठीक है। अभी बहुत सारे बंदों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, भाई तू मॉडल के हिसाब से तो फिक्स नहीं करवाने वाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 512 MB रैम भी होगी ना किसी भी बंदे की, उसका भी फिक्स हो जाएगा काफी हद तक, ठीक है। 99% मैं फिक्स करवा दूंगा, देखो आज के भाई स्क्रीन पे, और यहां से है ना किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि जितने पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ना, सबके सब आपस में बॉन्ड हो रखे हैं, अगर आप स्किप कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। मतलब आपस में अगर बॉन्ड हो रखे तो एक दूसरा पॉइंट आपस में जुड़ा है, और वैसे मैं आपके पहले ही 1 मिनट ले चुका हूं आपको समझाने में, क्योंकि मैं कुछ नॉर्मल बातें नहीं बताना चाहता, जैसे जायरो डिले क्यों होता है, क्या मैटर है, अगर जायरो डिले फिक्स नहीं होता तो क्या होता है, जायरो नहीं खेलेंगे तो क्या गेम प्ले इंप्रूव नहीं होगा, तो ये पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं। पहले देखो आपको मैं बताता हूं, देखो जब भी आप जायरो का यूज करते हो ना, तो अपने फोन को टिल्ट करते हो, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो बिल्कुल भी अंगूठे से स्क्रीन मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल भाई अपने क्रोशियर को है ना वैसे ही सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मतलब जायरो से कंट्रोल कर रहा हूं, देखो बिल्कुल भी अंगूठा रब नहीं कर रहा स्क्रीन पे, इसे जायरो का यूज बोलते हैं क्लोज रेंज में, ठीक है। तभी बोला जाता है अगर आप जायरो यूज करते हो ना, तो भाई मतलब आप एक नंबर आपका एम हो जाता है, बट मेरा मानना यह है कि जो बंदा नॉन जायरो खेलता है ना, बिल्कुल ही खत्म है भाई, जायरो बंद कर रखा है, उस बंदे का एम क्लोज रेंज में गोल्ड लेवल होता है। बहुत सारे बंदे हैं बीजीएमआई कम्युनिटी में भी भाई, जो बंदे मतलब नॉन जायरो खेलते हैं और गोल्ड लेवल खेलते हैं क्लोज रेंज में, देखो मैंने ऑफ कर दिया, और जिन बंदों का जायरो ऑफ हो जाता है, देखो स्क्रीन टिल्ट नहीं होती ऐसे, ठीक है। अगर आप टिल्ट करोगे तो आपको क्रोशियर से एम करने के लिए अपने अंगूठे को रब करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के रूप में, विद साउंड दिखाता हूं, देखो। कहने का मतलब ये है कि नॉन जायरो वाले बंदे का एम है ना क्लोज रेंज में जायरो वाले बंदे के अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन जायरो वाला बंदा होता है ना, उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस देनी पड़ती है अपने अंगूठों को, लेकिन जो जायरो वाला बंदा होता है ना, उसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि जो जायरो वाला बंदा है वो धीरे धीरे सीख जाता है अपने फोन को टिल्ट करना, लेकिन एक्यूरेसी है ना नॉन जायरो में होती है, क्योंकि क्रोशियर ज्यादा टिल्ट नहीं होता। अभी मैं ऑन कर लेता हूं, अभी देखो ऑन करने के बाद देखो, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बस फोन ही टिल्ट करना है, और भाई समझ रहे हो ना, मतलब अगर स्क्रीन चेक करते तो हेड भी लगते हैं जायरो के साथ, ठीक है। बाकी अगर आपको स्क्रीन चेक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। अभी देखना भाई आपको समझ में आ चुका है कि जायरो का यूज और नॉन जायरो का यूज कैसे बंदे करते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि नॉन जायरो की क्या एडवांटेज है, क्रोशियर नहीं हिलता तो हेड लगते हैं। देखो कैमरा मूव करने के लिए सीडियो पे जा रहे हैं ना, तब भी हम जायरो का यूज करते हैं, जो जायरो प्लेयर होते हैं ना जायरो का यूज करते हैं, मतलब जायरो की आपको एवरी जगह, ठीक है, मतलब टिल्ट करने में, मूव करने में, एम करने में, रिफ्लेक्स दिखाने में, जंप करोगे ना भाई तब भी जायरो का यूज करोगे। देखो मैं आपको जंप करके दिखा, जैसे यहां पे मैंने जंप किया अचानक से, ये देखो, मतलब आपको सिर्फ अपने फोन को टिल्ट करना है। अभी जो बंदा जायरो डिले खेलता ना, उस बंदे का फोन इतना जल्दी मूव नहीं करता, तो वो टोटली जायरो के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर स्प्रे वगैरह देना, वो गाड़ी जा रही है उसके ऊपर स्प्रे देना है, तो भी भाई उसका जो डिले रहेगा ना, तो उसकी वजह से वो गाड़ी के पीछे पीछे स्प्रे मार पाएगा, बंदे को उतार नहीं पाएगा, ठीक है। और कुछ बंदों का इतना तो डिले होता है भाई, मतलब स्कोपिन हिलता ही नहीं है, तो उन बंदों का क्या करना है, सबके लिए बस यही एक सोल्यूशन है, आपको बताता हूं। क्योंकि ये जो चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताई ना, ये जायरो डिले से ज्यादा जरूरी थी। अगर आप इनके बारे में आपको पता ना, कम्युनिटी में एवरी प्लेयर के साथ चल के आ रहा है, मतलब रिलेट कर पाते उस चीज से, ठीक है। अभी देखो आपको कंट्रोल सेक्शन में चले जाना, आपको जितने जोन से भी कंट्रोल में आप खेलते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, जो कंट्रोल है ना भाई वही आपके जायरो डिले को फिक्स करते हैं। देखो ऊपर की तरफ एक फायर बटन है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूं, ये बढ़ा दी मैंने, ठीक है, यहां पे है, और एक फायर बटन मैंने नीचे की तरफ रख रखा है। ये फायर बटन है भाई वरदान है, भगवान की तरफ से हमें वरदान मिला ये फायर बटन जायरो डिले को फिक्स करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। देखो जब आप ऊपर वाले फायर बटन का यूज करते हो ना, तो आप ऊपर वाले फायर बटन पे सिर्फ फायर कर सकते हो, लेकिन कैमरा मूव नहीं कर सकते। देखो मैं आपको दिखाता हूं फायर करके, जैसे मैंने
यहाँ पे सामने की तरफ मैं ये लेता हूँ, एक बंदा लेता हूँ, ये सामने एक बंदा लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो बंदा ना पहले नंबर वाला जिसके पास वेस्ट और हेलमेट बिल्कुल भी नहीं है, कतई नंगड़ है, देखना मैं इसको इसके ऊपर फायर करूंगा ऊपर वाले फायर बटन से, देखो, और मैं एम नहीं कर सकता, ठीक है। देखो फिंगर मूव करता हूँ बट एम नहीं कर सकता, मतलब कि ऊपर वाला फायर बटन है ना सिर्फ आपको फायर करने में काम आता है। देखो जैसे अंगूठे से मैं मूव करूंगा तो बिल्कुल भी स्क्रीन मूव नहीं होती, ठीक है, लेकिन नीचे वाले से देखो फायर भी कर सकते हैं और स्क्रीन भी मूव कर सकते हैं। शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी टीडीएम में समझाऊंगा, हैंड कैम के साथ हिट करना, और एंड में एक बोनस टिप भी दूंगा, ठीक है। देखो जैसे सामने बंदा है और मैं नीचे वाले फायर बटन से फायर कर रहा हूँ, मेरे को क्रोशियर बार बार, मतलब सामने वाला बंदा तगड़ा जिगल दे रहा ना, और मेरे को क्रोशियर बार बार मतलब उसके ऊपर ट्रेस करना पड़ रहा है। अगर आप ऊपर वाले फायर बटन का यूज करके ट्रेसिंग करोगे ना जायरो से, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका जायरो डिले है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लोज रेंज में ना नीचे वाले फायर बटन का यूज करना है जो नीचे की तरफ है, क्योंकि इससे आप कैमरा भी मूव कर सकते हो, मतलब क्रोशियर को मूव कर सकते हो और फायर भी कर सकते हो। देखो देखो मैं नीचे वाले फायर बटन से फायर कर रहा हूँ और साथ में एम भी कर रहा हूँ, ठीक है, और जितना जायरो यूज हो रहा है मेरे फोन का उतना ही जायरो भी यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मतलब जितना जायरो, अगर आपका मतलब 400 सेंसी आपने जायरो की रख रखी है लेकिन आपका जायरो डिले है 200 सेंसी के बराबर चलता है, ठीक है, तो आपको नीचे वाले फायर बटन का यूज करना है। इससे आप क्या करोगे, एम भी कर सकते हो सामने वाले बंदे पर, फायर भी कर सकते हो, और जितना जायरो यूज हो रहा है फोन का उतना जायरो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि क्रोशियर का यूज ही करो, देखो अगर आप ट्रेसिंग वगैरह करनी है ना इस वाले फायर बटन से, तो आप देखो अगर ऊपर वाले फायर बटन का यूज करोगे तो जायरो अगर डिले होगा तो आप अच्छी से ट्रेसिंग नहीं कर पाओगे, आपका डिले चलेगा स्कोपिंग, ठीक है। अगर आपका जायरो डिले है ना तो आप नीचे वाले फायर बटन का यूज स्कोपिंग में भी कर सकते हो। देखो ऐसे आपको क्या करना, अपने अंगूठे को साइड में टिल्ट करना और आपका क्रोशियर बहुत ही फास्ट मूव होगा, और जितना जायरो आपका चलता है ना उसका यूज भी करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फायर बटन पे डिपेंड हो जाना, ठीक है। देखो जैसे मेरे को ट्रेसिंग करनी है तो मैं साइड में अंगूठे को रब कर रहा हूं और फायर भी कर रहा हूं, मतलब कि फायर बटन से दो काम हो रहे हैं, ठीक है, कैमरा भी मूव हो रहा है और साथ में फायर भी हो रहा है, और साथ में आपका जो जायरो है ना डिले है जितना आपका बचा है 50% फोन में, वो आप जायरो भी यूज करो और साथ में फायर बटन का यूज भी करो और साथ में अंगूठे से रब करो, मतलब तीन काम आप एक साथ में कर सकते हो, ठीक है। यही टिप थी, मतलब अगर आपका इसका यूज करते हो ना भाई तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप नीचे वाले थंब से फायर करोगे ना तो आपकी स्कोपिंग में एक्यूरेसी बहुत तगड़ी आती है और रिकॉल भी बहुत ही कम होता है। मैं आपको स्प्रे मार के दिखाता हूं, और एंड में जो बोनस टिप दूंगा ना लो एंड डिवाइस वाले भाइयों के लिए, वो तो मेरे को गोल्ड लेवल लगती है क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी बहुत बार यूज करता हूं। जैसे अगर आपको स्कोपिंग में, देखो अगर आप मतलब ऊपर वाले फायर बटन का यूज करके स्कोपिंग में फायर करोगे ना तो आपका मतलब डिले, मतलब अगर आपका जायरो डिले है ना तो आपका मतलब ऐसा रिकॉइल होगा, ठीक है, आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि जायरो डिले है तो आप कितना भी टिल्ट कर लो फोन को। लेकिन अगर आप नीचे वाले फायर बटन से फायर करोगे और साथ में नीचे की तरफ रब करोगे ना, देखो भाई लिटरली जीरो रिकॉइल जा रहा है भाई, मतलब कि ये वाली जो वीडियो है ना इसमें जो मैंने ट्रिक बताई है जायरो डिले वाले बंदों के लिए, ये वाली ट्रिक पूरी कम्युनिटी में किसी ने नहीं बताई, और ये वीडियो कॉपी पेस्ट होने वाली है बड़े चैनल्स पे, ठीक है। तो यार तुम्हारे भाई को सपोर्ट करना, जो भी बंदा कॉपी करे तो बता देना उसको भाई ये तो अमन का कॉपी किया है तूने, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको मेरी सेंसी दिखा रहा हूं, जिन भी बंदों को मेरी सेंसी पसंद आए तो वो सेंसी भी कॉपी कर सकते हैं। 400 पे खेलता हूं आपको हमेशा, अगर आपका जायरो डिले है ना तो आपको 400 भी खेलना है, ठीक है। मुझे पता आप खेल रहे हो 400 भी, क्योंकि डिले है तो ऑलरेडी आप मतलब हाई सेंसी पे खेलोगे ना, और आपको हमेशा है ना अगर आपका लो एंड डिवाइस है आपको हाई एंड सेंसिटिविटी पे खेलना है। जायरो जायरो नहीं बोल रहा, सब रेड डॉट से लेके कैमरा सेंसिटिविटी सब कुछ आपको हाई पे खेलना है, क्योंकि अगर आप हाई पे खेलोगे ना तो आपको कैमरा मूव करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर अचानक से पीछे से बंदा आता है तो आप अचानक से कैमरा मूव करोगे, अपने अंगूठे से रब करोगे तो भाई आपको थोड़ा आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप लो सेंसिटिविटी पे खेलोगे तो ऑलरेडी आपका फोन का प्रोसेसर खत्म है, तो आप कैमरा मूव करोगे तो दो दिन लग जाएंगे और तब तक आपकी पेटी लोबी में होगी, ठीक है। देखो फ्लैक्स नहीं दिखा पाओगे, तो आपको हमेशा हाई सेंसिटिविटी पे खेलना है। और एक बात हमेशा याद रखो भाई, टोटली जायरो पे डिपेंड मत रहो, तो अंगूठे का यूज किया करो। अगर 360 पे कुछ बंदा आ जाता ना तो आप जायरो का यूज करना सीखो, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये तो मतलब सामने मैं ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर कोई भी चीज लेके उसके ऊपर डिपेंड था, लेकिन मैं आपको एक मतलब लाइव एग्जांपल दिखाता हूं किसी बंदे को मार के नीचे वाले फायर बटन का यूज करके स्कोपिंग में भी और जिगल में भी कैसे ट्रेसिंग होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, मतलब स्किप मत करना, और लो एंड डिवाइस वाले भाइयों के लिए जो बोनस टिप है भाई वो मेजर है भाई, ठीक है। देखो अभी तक तो आप जज कर चुके हो भाई मैंने सही बताया है कि नहीं, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, और भाई कमेंट सेक्शन में ना अपने फोन का मॉडल जरूर टाइप करना, मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बंदा कौन से मॉडल पे कौन से फोन में खेलता है, ताकि मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकूं, ठीक है। अभी देखना मैं नीचे वाले फायर बटन का यूज करके कैसे ट्रेसिंग करता हूँ। और अभी दिखाता हूँ भाई स्कोपिंग की एक्यूरेसी, वो भी नीचे वाले फायर बटन से जब जायरो डिले होता है।
देखो जहां से मैं फायर कर रहा था ना वहीं से मैंने अंगूठे से रब करके एम भी किया, फायर भी किया, और थोड़ा बहुत जितना डिले था मतलब जैरो जितना वर्क करता है 1-2% वही मैंने यूज भी किया। बाकी यही था आज वाली वीडियो में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, बार बार देखो, और जिन बंदों का जैरो डिले है ना उनके साथ ये वाली वीडियो अपनी स्कोर के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी सोल्यूशन हो जाए। बाकी ऐसे ही जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।